हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर एस एस चौहान एंड यू आर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चौहान मैथ्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस रैंडम वेरिएबल, इट्स प्रॉपर्टीज, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो लेट अस बिगिन विद रैंडम वेरिएबल। दिस वर्ड इट इज यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। So random variable is that variable whose values are determined from the sample points of the sample space. ये इसकी मेन डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल की। अब एग्जांपल से आप समझ सकोगे। एग्जांपल देखिए, लेट ए कॉइन बी टॉस ट्वाइस। वन कॉइन को टू टाइम्स टॉस कर दिया तो इसका सैंपल स्पेस बना हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। दिस इज द सैंपल स्पेस कंटेनिंग फोर आउटकम्स इन वन, इन टू थ्रोज ऑफ वन कॉइन। यू थ्रो वन कॉइन ट्वाइस और यू थ्रो टू कॉइन्स वंस, दिस इज वन एंड द सेम। वन कॉइन को टू टाइम्स टॉस करें या टू कॉइन्स को वन टाइम टॉस करें, सैंपल स्पेस यही बनता है एवरी टाइम। अब हम एक वेरिएबल एक्स डिफाइन करते हैं। Let x be number of heads. Then, अब आप यहां पर देखिए, number of heads define किया तो let us see number of heads in the sample point HH is 2. x को read करें number of heads, number of heads in the sample point HT इज वन, नंबर ऑफ हेड्स इन द सैंपल पॉइंट टी एच इज वन, एंड नंबर ऑफ हेड्स इन द सैंपल पॉइंट टी टी इज जीरो। और इस तरह से नंबर ऑफ हेड्स ने कितनी वैल्यूज ले ली, वैसे तो फोर वैल्यूज ले ली, टू रिपीट हो गई, जीरो वन एंड टू। तो यू सी x takes values 0, 1 and 2. So this variable x is the variable whose values 0, 1, 2 have been determined from sample points of the sample space, and therefore this variable is called random variable. So x is random variable here because its values have been determined from the sample points of the sample space. So this is random variable. So we can write the probability distribution now. Probability distribution. You see values of x 0, 1, 2 along with their corresponding probabilities is called probability distribution. X takes value 0, 1, 2, px takes value p 0, p 1, वो x की जगह पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है, p आपको याद होगा जी की जीरो, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो का मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ निल हेड, निल हेड का मतलब बोथ टेल्स, और इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी वन बाय फोर।
here we have probability of one head का मतलब HT, TH, these two outcomes are favorable, so 2 by 4 और 1 by 2, 2 by 4 it is okay, आप 1 by 2 मत करिए, सारों का इनका ना सारों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ HH और ये हेड हेड इट इज वन आउटकम आउट ऑफ फोर. और इस तरह से हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया. स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि सेकेंड लाइन प्रोबेबिलिटी दे रही है, इसलिए इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. सेकेंड लाइन जब फ्रीक्वेंसी दे रही होती है तो उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अब हम चलते हैं इसके मीन की तरफ कि मीन कैसे निकाला जाए इस डाटा को. स्टैटिस्टिकल डाटा बन चुका है तो मीन के लिए आगे चलते हैं. मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का मेथड आपको सिखाता हूँ. ये जो एक्स दिख रहा है इसे आप कॉलम वाइज कर दो, 0, 1, 2. पी एक्स को भी कॉलम वाइज लिख दें, 1/4, 2/4 and 1/4. इसके बाद एक्स और पी एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये मीन का के लिए ये ज़रूरत है, उसकी नीड है, तो मीन आपका रेडी होने लगेगा. पहले एक्स इंटू पी एक्स निकालो, फिर मीन की बात करता हूँ. 0 × 1/4 = 0, 1 × 2/4 = 2/4, 2 × 1/4 = 2/4. इस कॉलम को सम कर दो, इसी कॉलम को. सो एक्स पी एक्स का सम कर दें तो सिग्मा एक्स पी एक्स, इसी को मीन डिफाइन किया जाता है. ये मीन है जो आ गया सिग्मा एक्स पी एक्स, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 4/4 दैट इज 1, इसी को मीन कहते हैं. ये सिग्मा एक्स पी एक्स इज द फार्मूला फॉर मीन, तो मीन की वैल्यू इसमें 1 आ गई. अब आप वेरिएंस की तैयारी इसी में कर लो. एक्स और एक्स पी एक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आएगा एक्स स्क्वायर पी एक्स, 0 × 0 = 0, 1 × 2/4 = 2/4, 2 × 2/4 = 4/4. इस कॉलम को फुल्ली ऐड कर दें, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स आपका रेडी हो गया 6/4, जिसकी वैल्यू 3/2. तो हम यहां पर थे, एक्स पी एक्स का कॉलम ये रहा, एक्स एक्स और एक्स पी एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर पी एक्स जनरेट हुआ, और इसके इसको सिग्मा जब लगा दिया तो एक्स स्क्वायर पी एक्स आ गया. ये हमारे वेरिएंस की तैयारी हो गई है. तो वेरिएंस आप यहां पर देख सकते हो, वेरिएंस इज डिफाइंड एज वेरिएंस विच इज रिटन एज सिग्मा स्क्वायर, दिस इज द नोटेशन फॉर वेरिएंस, एंड इट्स वैल्यू इज सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन स्क्वायर दैट इज म्यू स्क्वायर. जनरली वी राइट मीन को म्यू लिखते हैं, ये जो मीन हमने लिख रखा है इसे म्यू कहते हैं, तो म्यू स्क्वायर. सो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स कैन बी कॉपीड फ्रॉम हियर. सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स हमारा 3/2 आया था और मीन आया था 1, ये तो 1 स्क्वायर, 3/2 माइनस 1 हो गया 1/2, 0.5 भी कह सकते हैं. ये हमारा वेरिएंस हो गया. इसी के स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं. तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट्स वैल्यू इन द प्रेजेंट केसेज स्क्वायर रूट 1/2, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू हाफ है तो स्क्वायर रूट 1/2 हो गई वैल्यू. सो दिस मे बी रिटन एज 1/√2 मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय √2 फॉर रेशनलाइजेशन परपज. तो
तो वी हैव रूट टू बाय टू, 1.414 बाय टू डिवाइड टू गेट 2 7 14 07, दिस इज द आंसर। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो सिखाया, रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो सिखाया, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टर्म्स प्रोबेबिलिटी थ्योरी में डे टू डे यूज में, और उनकी उनको बताने की हमने एफर्ट की। आपको पसंद आया तो आप दूसरों के साथ शेयर करें, उन्हें भी इसका एडवांटेज लेने दें। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।